हाँ जी, हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द एल्गोरिथम, राइट, एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गोरिथम. ठीक है, तो उसके बारे में जैसे आप लोगों को पता है कि एल्गोरिथम क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बताया था, आपके पास कुछ यहाँ पे डिस्कशन हुआ था कि जो आपका एल्गोरिथम है. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन. हाँ जी, मेजर आपके पास हमने जो डिस्कशन किया था वो आपके पास क्या था कि एल्गोरिथम में मिनिमम जो इनपुट है, ठीक है, वो क्या है आपके पास, जीरो या जीरो से हम ज़्यादा भी दे सकते हैं. ठीक है, आउटपुट आपके पास एटलीस्ट वन आउटपुट होना कंपलसरी है. नेक्स्ट आपके पास क्या था, शिवम सिंह. हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास क्या था, डेफिनेटनेस. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास स्टेप है, ठीक है, वो हमारा फाइनाइट होना चाहिए आपके पास, है ना. डेफिनेटनेस का मतलब क्या, यूनिक आपके पास होना चाहिए. ठीक है, और जैसे इसमें आपके पास ऐसे भी आप बता सकते हो कि इसका सेकेंड ये है कि फाइनाइटनेस, मतलब नंबर ऑफ स्टेप शुड बी फाइनाइट. ठीक है, इफेक्टनेस का मतलब ये है कि एक का स्टेप दूसरे में इफेक्ट होना चाहिए आपके पास. ठीक है, इसका मतलब है यूनिक, कोई भी आपके पास लाइन ऐसा नहीं है कि आपने उसको डुप्लीकेट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. इफेक्टनेस का मतलब ये है कि जैसे आपके पास स्टेप नंबर 1, 2, 3 है, तो फर्स्ट का इफेक्ट दूसरे में जाना चाहिए, दूसरे का तीसरे में जाना चाहिए आपके पास. ठीक है, तो ये हमने आपके पास टॉपिक आपको बताया था, ये क्या होता है आपके पास. ठीक है, हाँ जी, अब देखो कुछ जैसे फंडामेंटल आपके पास है चीजों को आपको समझना है. जस्ट होल्ड ऑन. ठीक है, अब आपके पास एक टर्म आता है फ्लो चार्ट. ठीक है, इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, हाँ जी, जस्ट होल्ड ऑन, व्हाइट बोर्ड. हाँ जी, अब ये सारी चीजें आपके पास, देखो देखो मेन फंडामेंटल क्या है कि आपके पास, एक मिनट, आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कुछ भी हो सकता है, मे बी प्रोग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब देखो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, है ना, यूजर को समझाने के लिए, ध्यान से देखना, है ना, यूजर को या क्लाइंट को या फिर खुद को समझने के लिए, ठीक है, वेरियस रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, जैसे आपने एक रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिदम देखा, ठीक है, फिर आपके पास, हम बता रहे हैं आपके पास फ्लो चार्ट. ठीक है, तो यानी इसका मतलब, फ्लो चार्ट का मतलब ये है कि इट इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन. देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास सेम है, सेम प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आप उसका एल्गोरिदम भी लिख सकते हो, उसका फ्लो चार्ट भी लिख सकते हो. ठीक है, देखो डिपेंड करता है, ऐसे स्मॉल, अगर मैं स्मॉल प्रोग्राम की मैं बात करूं तो आपको समझ आता है कि भाई सेम को एल्गोरिदम लिखना है, सेम को फ्लो चार्ट लिखना है. बट जैसे जैसे आप कंप्यूटर साइंस में आप बेस्ट बनते जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई कौन से प्रॉब्लम का एल्गोरिदम लिखना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट लिखना चाहिए. जैसे एग्जांपल के तौर पे, एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोग को. जैसे मान लो आपके पास, हमने एक क्लास में कुछ भी, जैसे हमने आपके पास टीचिंग किया, और हो सकता है आपके पास कि आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिनको हमने ये स्टेप में समझा दिया, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में समझा दिया. कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सेम स्टेप को हमने पिक्चर के फॉर्मेट में समझाया, तो हमें पता है कि जो पिक्चोरियल
रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज ए बेटर रिप्रेजेंटेशन एज कम्पेयर टू टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जैसे आप अगर आप मूवी की बात कर रहे हो, तो मूवी में आपके पास क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट पिक्चर फॉर्मेट, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें ज्यादा आप समझते हो एज कम्पेयर टू टेक्स्ट के फॉर्मेट में। सेम चीज यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में भी होता है। जैसे अभी फिलहाल के टाइम में आप लोगों क्या है, फ्लो चार्ट एल्गोरिदम ये सारे आपके पास, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ईआर डायग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ये सारे डायग्राम आपके पास होंगे आपके पास। ठीक है, मेन आपके पास क्या है, मेन गोल क्या होना चाहिए, मेन गोल आपके पास यही होना चाहिए, फॉर दी बेटर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ जैसे फ्लो चार्ट में सेम चीज हमने बताया आपके पास क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। इसमें आपके पास स्टेप के फॉर्मेट में कुछ भी नहीं होगा, हर चीज का एक सिंबल आपके पास होगा, हर चीज का एक पिक्चर के फॉर्मेट में सिंबल आपके पास होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फ्लो चार्ट आपको बेसिक से थोड़ा ध्यान से देखना है, क्या इसमें है क्या नहीं है आपके पास, कैसे किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट आप बनाओगे उसमें आपको सिंबल ध्यान से देखना है। तो देखो कोई भी अगर आपके पास, मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जैसे कोई भी आपके पास स्टेप है, जैसे स्टेप वन हमने लिखा, स्टेप टू लिखा, स्टेप थ्री लिखा आपके पास, स्टेप फोर लिखा, तो ये आपके पास दिस है ना, ये क्या आपके पास एल्गोरिदम के सारे स्टेप है। सेम स्टेप को देखो ये भी होना चाहिए कि ये आपस में कनेक्ट हो, S1 S2 से कनेक्ट है, S2 S3 से, S3 S4 से आपका कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस सेम चीज यहाँ पे सेम चीज आपके पास है कि जैसे हमने स्टार्ट यहाँ पे दे दिया, मान लो स्टार्ट दे दिया, फिर हमने एंड दे दिया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कुछ आपके पास है डायरेक्ट, मैं यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो जैसे ये सिंबल आपके पास है, ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट या एंड। जब भी आपके पास ये सिंबल आपके पास आएगा, इट्स लाइक ए इलिप्स। ठीक है, इलिप्स जैसे आपके पास है ये सिंबल, आपके पास क्या करोगे, या तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा या आपके पास एंड होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है आपके पास ये सिंबल आपको स्टार्टिंग में देना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्राम में हमें पता है कि इनपुट या आउटपुट देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इनपुट के लिए आपके पास है ना ये सिंबल ऑलरेडी आपके पास है ये सिंबल। ठीक है, और जो भी प्रोसेस आपके पास होगा है ना, जैसे इनपुट का मतलब क्या है कि मान लो आपने दो नंबर दिया ए और बी, ए और बी, तो उसको आपके पास सिंबल यहाँ पे ए और बी यहाँ पे इसमें इनपुट कर दोगे आप। ठीक है, एक्शन मतलब क्या है कि एक्शन का मतलब क्या, आपके पास प्रोसेस। ठीक है, जैसे अगर आप एडिशन ऑफ टू नंबर की बात कर रहे हो तो पहला स्टेप क्या है, इंटर टू नंबर ए और बी, ना। दूसरा स्टेप आपके पास क्या है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस होगा ना। थर्ड क्या हो जाएगा, प्रिंट, प्रिंट ऑफ एस। ठीक है, तो अगेन आपके पास है ना डिसीजन अभी आएगा आपके पास है ना, डिसीजन मतलब इफ एल्स। ठीक है, वो आपका आएगा, इफ एल्स से रिलेटेड चीज आपके पास आएगी, तो अभी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, डिसीजन का, बट डिसीजन का सिंबल ये होता है। ये एरो का मतलब आपके पास क्या है, फ्लो ऑफ। ठीक है, मतलब आप ये हो गए, हम नेक्स्ट फ्लो में जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, फिर हम ऐसे लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, तो इस एरो का मतलब क्या हुआ, वी आर गोइंग टू स्टेप वन, टू स्टेप टू, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। सर्कल का मतलब ये हुआ कनेक्शन, आपके पास कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये सिंबल थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज होगा। अगर आपके पास एल्गोरिदम क्लियर है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसका हम देखेंगे भी कुछ एग्जांपल, फ्लो चार्ट का भी, एल्गोरिदम का, ये बस अभी आपके पास स्टार्ट है। ठीक है, हाँ जी, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो, ठीक है, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये सेम जैसे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, इट इज ए स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये क्या आपके पास है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और ये सारी चीज आपके पास है ना बताता है आपके पास कि भाई बहुत एक जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए है ना सबसे ज्यादा हम प्रीफर कौन सा करते हैं, फ्लो चार्ट, बिकॉज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो वहां पे बेटर चीज आपके पास होती है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखो इसमें आपके पास देखो दोनों की अपना एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। ठीक है, अगर फ्लो चार्ट पे एक बार आपने डायग्राम बना दिया, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक
ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्टेप वन स्टेप टू लिखा है तो वहाँ पे हम मॉडिफिकेशन इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम डिस्कस क्या करेंगे, सेम प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हम एल्गोरिदम भी लिखेंगे, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हम फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, है ना, जिसको आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो आपके पास। ठीक है, और आपने ऑलरेडी आपने दिखा है आपके पास है ये चीज़। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ आपके पास है, हमने क्या लिखा आपके पास, एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। देखो कोई भी एक या दो प्रॉब्लम को आप बेस्ट वे से समझो कि भाई ये पहला स्टेप में ये हो रहा है, सेकंड में ये हो रहा है, थर्ड में ये हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप इजीली तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, स्टार्ट, ठीक है, और ये स्टॉप या एंड है। ठीक है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी आप एल्गोरिदम लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, फाइव, सिक्स, स्टार्ट हो गया और ये आपके पास एंड हो गया। ठीक है, उसके बाद आप इनपुट फर्स्ट नंबर ए, ठीक है, इनपुट सेकेंड नंबर बी, आप चाहते हो तो इस दोनों स्टेप को कंबाइन भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी आपके पास। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि इसके बाद कोई कोई ये ना बताया सेवेंथ स्टेप भी है। ठीक है, तो आपके पास, ठीक है, मतलब मिनिमम इतना स्टेप आपके पास होगा, आप इस दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, डिस्प्ले सम, ये ऑलरेडी आपके पास, आपको ऑलरेडी चीजें पता है, ये चीज आपके पास ऐसे है। अब देखो इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें इसी को क्या करना है, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। जस्ट होल्ड ऑन, ये देखो आपके पास, हाँ जी, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका, क्योंकि दोनों फिगर आपके पास साथ में रहेगा तो चीजों को आप इजीली तरीके से रिमाइंड कर पाओगे। जी वी होप ये आपको विजिबल है। ठीक है, हाँ जी, अब अगेन यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे ये देखो आपके पास, मैं चाहता हूँ दोनों डायग्राम आपके पास आ जाए जिसके थ्रू कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपके पास ना हो। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, एक मिनट, देखो कंप्यूटर साइंस में कोई भी चीजों को सीखने के लिए आपका फंडामेंटल बेसिक बेसिक शुड बी क्लियर। बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप, और इस चीज को आपको कैसे बनाना है, ठीक है, अगेन पेज पेज पे बनाना है, ये नहीं कि आप चीजों को, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, बट उस चीज को आपको पेज पे भी लिख के बनाना है। ठीक है, हाँ जी, अब देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ दोनों को साथ में लाने के लिए। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, विजिबल है, बताओ आप लोग, फ्लो चार्ट का और ये एल्गोरिदम विजिबल है, यस सर, बताइए आप लोग। विजिबल है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपका एल्गोरिदम है भाई, पहला स्टार्ट लिखा, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्मॉल स्मॉल थोड़ा सा सिंबल बनाऊंगा, यहाँ पे मैं, यहाँ पे बनाया जा सकता है। देखो सबसे पहले क्या स्टार्ट है, स्टार्ट का कौन सा ये देखो, ये हमने स्टार्ट बना लिया, दिस इज अ स्टार्ट, ये सिंबल हमने स्टार्ट का यहाँ बना लिया, ये हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा, इनपुट फर्स्ट नंबर ए, इनपुट सेकेंड नंबर बी। ठीक है, तो भाई इनपुट के लिए कौन सा सिंबल है, ये वाला, पैरेललोग्राम, ठीक है, तो हमने, हाँ जी बिल्कुल, आपके पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिख दिया आपके पास ए और बी। देखो ए और बी, पहले देखो बेसिक चीज लिखो आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा इसको आप टिल्ड बना लेना, पैरेललोग्राम है, यस, इस टाइप का, ठीक है, पहले बेसिक चीज आप लिख दो, ये आपका दोनों स्टेप क्लियर हो गया, स्टेप टू और थ्री। उसके बाद क्या है, देखो ये तो प्रोसेस है ना भाई, ये तो आपने प्रोसेस किया,
देखो ये थोड़ा सा आपको समझने लायक है ना, ये आपने फोर स्टेप नंबर फोर क्या किया, प्रोसेस किया। तो प्रोसेस के लिए कौन सा, ये वाला है ठीक है। तो अगेन आपके पास यहाँ पे क्या किया, ये सिंबल आएगा ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे, ठीक है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपने प्रोसेस किया। पहले मिनिमम चीज आप लिखो, उसके बाद क्या हुआ डिस्प्ले है ना, सम पेंटाग्राम डिस्प्ले का। हाँ जी हाँ जी। स्टेप फाइव का मतलब क्या आपके पास, देखो स्टेप फाइव का मतलब क्या है, डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब क्या, आउटपुट, ये ध्यान रखना। डिस्प्ले का मतलब क्या हुआ, आउटपुट ठीक है। तो आउटपुट आपके पास कौन से वाले में आएगा आपके पास, देखो हम आपके पास ये लिख रहे हैं स्टेप वन, यहाँ पे मैं समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री ये स्टेप फोर ठीक है। स्टेप फाइव आपके पास क्या है, डिस्प्ले सम। सम आपके पास क्या है, बेसिकली आउटपुट है। आउटपुट के लिए आपके पास क्या सिंबल, ये सिंबल है, दिस इज अ सिंबल फॉर आउटपुट यानी सम। यहाँ पे एस एस लिख दो आपके पास ठीक है, जो भी आपने लिखा सम लिखा यहाँ पे तो सम लिख दो ठीक है। लास्ट विल बी स्टॉप, स्टॉप का सिंबल कौन है, अगेन ये आपके पास ये है ठीक है। अब आप इसको क्या करो ठीक है, इसको आप देखो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, देखो जो ऑलरेडी स्टूडेंट को आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप सेम स्टेप से करना है ठीक है। आप सर, इसको ये एरो, हाँ जी एक बार वेटिंग रूम चेक करना है, एक बच्चा वो अटका हुआ। नहीं कोई नहीं है, अभी सिद्धार्थ कोई था तो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया अभी यस सर, ठीक है सर, ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है। हाँ जी अब देखो यहाँ पे आप इन सब स्टेप को क्या कर दो, आप कनेक्ट कर दो, ये आपस में सारे क्या है कनेक्शन कनेक्टेड है। ये मैं किसी और कलर से कर देता हूँ, एक मिनट चलो ब्लैक से कर देता हूँ, ये कनेक्ट ये कनेक्ट। अब इसी चीज को आपको ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है ठीक है कि यहाँ पे ये लिख दो, लिखना है तो लिख दो स्टार्ट या एंड ठीक है। तो ये देखो ये आपके पास मिनिमम स्टेप है ठीक है, कि ये इतना आपको करना ही करना है आपके पास ठीक है। तो मुझे कोई भी एक स्टूडेंट बताओ जिनको नहीं आता है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनको क्लियर है कि नहीं बताइए आप लोग, या फिर कुछ रिपीट करना है तो एक बार रिपीट भी कर सकते हैं। क्लियर सर, सर एक क्लियर बार सम वाले स्टेप के बाद, एक क्लियर बार स्टेप जो लास्ट स्टेप करे एक बार वो समझा दो दोबारा है। प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट रुको। देखो एल्गोरिदम, वी होप आपके पास एल्गोरिदम आपके पास क्लियर है, वो होना चाहिए आपके पास ठीक है। अब देखो ये आपके पास क्या है, ये स्टेप वन हो गया ठीक है, ये स्टेप टू और थ्री आपके पास हो गया यहाँ पे, ऑलरेडी हमने लिख दिया आपके पास। देखो देखो किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, आप जनरलाइज में चीज बता रहा हूँ आपके पास अभी, किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होगा, स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा इनपुट होगा, उसके बाद क्या होगा प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या होगा आउटपुट होगा, फिर क्या होगा एंड हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, ये आपके पास कहीं लिखा नहीं होगा बुक में, बट ये है ऑब्वियस बात है। कोई भी आप देख लो, कोई भी चीज को आपके पास सबसे पहले स्टार्ट करते हो, फिर इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा, फिर एंड हो जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे स्टेप टू थ्री ठीक है। तो स्टेप फोर देखो, स्टेप फोर में क्या है, थोड़ा यहाँ पे डाउट हो सकता है। स्टेप फोर क्या है, प्रोसेस है, इस चीज को आप समझो है ना। ये आपने क्या किया, प्रोसेस किया। तो प्रोसेस के लिए ऑब्वियस बात है आपने ये सिंबल यूज किया, देखो लिखा है प्रोसेस ठीक है। तो आपने ये रेक्टेंगल का यूज करना है यहाँ पे, प्रोसेस यानी स्टेप सम। सम इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी ठीक है, यानी स्टेप नंबर फोर ये क्लियर है। उसके बाद क्या है आपके पास, ये क्या है डिस्प्ले सम, मतलब क्या हुआ आउटपुट, आउटपुट विल बी डिस्प्ले। आउटपुट के लिए आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम ये रहा ठीक है, ये आपके पास क्या है सम एस। उसके बाद जो भी आपके पास है ये एंड, दिस विल बी द एंड, ये हो गया स्टेप नंबर सिक्स स्टेप नंबर फाइव ठीक है। हाँ जी अब बताइए, एनी डाउट, नो सर, आगे देखो समझते हैं किसी भी सर। एक ठीक है। अब देखो सेम चीज को हमने यहाँ पे बना सर रखा है, देखो आपके पास। हाँ जी बताइए। सर कनेक्टर सिंबल कहाँ यूज करेंगे, कनेक्टर फ्लो चार्ट में सबसे नीचे कनेक्टर सिंबल है वो कहाँ पर यूज करेंगे, वो सेल आपके टू। पास आएगा, देखो ये वैसे ऑप्शनल होता है आपके पास ठीक है, ऑप्शनल होता है आपके पास ठीक है, बट आएगा भी एक दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपके पास आएगा ठीक है, जहां पे इफ एल्स वगैरह होगा आपके पास वहां पे आप कर सकते हो ठीक है। मोस्टली ये है ना ऑलमोस्ट आपके पास यूज नहीं होता है, बट
कई जगह आपके पास दिया होता है, इसलिए हमने बता दिया आपके पास, ठीक है। बट इसका भी एक दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो हम बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। पहले किसका किसका यहाँ पे यूज है वो आप देखो, यहाँ पे मोस्टली जो इसमें जो यूज हो रहा है आपके पास, फर्स्ट ये और ये, इतने सिंबल आपके पास यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये डिसीजन है ना, और सर्कल वो हम देखेंगे आपके पास, डिसीजन मतलब इफ एल्स हो गया, और सर्कल हम आपके पास देखेंगे, ठीक है। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो ये चीज हमने थोड़ा सा, मैं जूम कर देता हूँ, आप देखियो। हाँ जी एक मिनट, समवन इज वेटिंग, अकरम रहमान, हाँ जी एक मिनट, हाँ जी। अब देखो सेम चीज को हमने यहाँ पे बनाया है, सेम चीज को, वी होप ये चीज आपके पास क्लियर होगा। ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट स्टेप वन, ये आपके पास क्या था स्टेप टू, ये क्या था स्टेप थ्री, ठीक है। ये क्या था आपके पास स्टेप फोर, ये डिस्प्ले स्टेप फाइव, स्टेप सिक्स, ठीक है। दिस इज ए फ्लो चार्ट ऑफ ए एडिशन ऑफ टू नंबर। हाँ जी, इज देयर एनी डाउट? हाँ जी बताइए, ठीक है। हाँ जी सर, मैंने पूछना था जैसे इनपुट इकट्ठे भी तो लिख सकते हो दोनों के लिए, क्या अलग अलग लिखना होता है? नहीं नहीं आप इकट्ठा लिख सकते हो, ठीक है। अलग अलग आप सिंबल क्यों बनाओगे यहाँ पे, ठीक है, लिख सकते हो। ये हमने देखो, ये हमने बनाया है समझाने के लिए, समझ रहे हो ना, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पे है देखो, ये जो स्टेप है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसके लिए दो हमने इनपुट बनाया है, आप इसको कंबाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, ए और बी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मतलब डिफरेंट सिंबल बन सकते हैं लाइक, हाँ जी इनपुट के भी दो तीन और प्रोसेस के भी? हाँ जी बिल्कुल, देखो जो सिंबल है उसी सिंबल में आपके पास बनना है, ठीक है। इसमें किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, जो देखो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो सोचेंगे सर ये आपने इसका सिंबल ए और बी है, ठीक है, तो ए का सिंबल ये ऑब्वियस बातें बनेगा, इसका भी सेम बनेगा, ठीक है, और ऑब्वियस बातें दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, ए और बी हम दे सकते हैं, कोई आपके पास प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बताइए, आपके पास इसमें एनी अदर डाउट? देखो इसमें ये है कि दोनों को कंबाइन आप ऐसे कर सकते हो, ये है, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। यहाँ पे लिख दो इनपुट, प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने इनपुट नहीं भी लिखा ना, तो इस सिंबल का मतलब ये है इनपुट, अगर आप ये नहीं भी लिखा, ये सिंबल इंडिकेट कर रहा है इनपुट, दैट्स ऑल। बट थोड़ा सा आप लिखोगे तो वे प्रेजेंटेशन क्या होगा, बेटर आपके पास होगा, ठीक है। हाँ जी बताइए आप लोग। हाँ जी अब देखो आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास है, ठीक है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। देखो अभी जो प्रोग्राम है, देखो कई बार आपके पास है, ठीक है, चीजों को आप लोग समझो। देखो अभी जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं ना, ठीक है, वो हम आपके पास सिक्वेंशनल प्रोग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखना। सिक्वेंशनल का मतलब ये है कि स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, स्टेप सिक्स, ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है सारे, ध्यान रखना। फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो डिसीजन मेकिंग में हो सकता है आप S1 से S3 में चले गए, S3 से S5 में चले गए आपके पास, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम कौन से प्रोग्रामिंग आपके पास कर रहे हैं, जो सारे स्टेप कनेक्टेड हो, ठीक है, जो सारे स्टेप आपके पास क्या हो, कनेक्टेड आपके पास हो। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जैसे आपके पास एक सिंपल सा हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है कि भाई आपके पास टेम्परेचर आपके पास है, ठीक है, जिसको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है आपके पास। क्या करना है आपके पास, देखो सेल्सियस की गिवन है, क्या है, सेल्सियस गिवन है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कुछ भी आपको सोचने वाली बात नहीं है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास होता है, ठीक है। तो इसको रुको, मैं जस्ट होल्ड ऑन, मैं बताते रहूँ आपको क्या है ये। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप समझो, है ना, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए आपके पास समझो क्या है क्वेश्चन, आपके पास क्या ये पूछ रहा है,
देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा आपके पास कि जो आपका है ना सेल्सियस क्या है, सेल्सियस गिवन है, ठीक है, इस सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यानी गिवन क्या है, सेल्सियस है, और आपके पास आउटपुट आउटपुट में क्या आएगा, फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास होता है एफ इजिकल टू 9/0 डिवाइडेड बाई 5/0 मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 32। ये आपके पास होता है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे हमने बता रखा है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास आपने सी की वैल्यू है ना, आपने सी की वैल्यू 50 दिया, लेट सपोज सी की वैल्यू क्या दिया, 50 दिया, तो आंसर क्या आएगा आपके पास बताइए आप लोग, 9/5 50 प्लस 32 क्या होगा आपके पास, ये 10, 90 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 90 प्लस 32 122 आपके पास, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास, वी होप आप समझ गए होंगे भाई, आपके पास सी की वैल्यू गिवेन होगा, एफ में कन्वर्ट करना होगा आपके पास। तो इसके लिए क्या आपके पास लिखोगे, जो भी आपके पास स्टेप होगा क्या लिखोगे आपके पास, फर्स्ट स्टार्ट, फर्स्ट क्या होगा स्टार्ट, सेकंड क्या होगा इनपुट दोगे, आप इनपुट क्या दोगे सी दोगे, सेकंड थर्ड स्टेप क्या होगा, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, मतलब क्या होगा प्रोसेस ये है आपके पास है, उसके बाद ये क्या आउटपुट है, उसके बाद ये क्या एंड आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सर, पास, और हाँ जी सर बताइए। इसमें हम वैल्यू डिफाइन कब करेंगे, मतलब सी के तो हमने एक बार इनपुट करके बता दिया, बट हमें फ़ारेनहाइट का भी तो फिर डिफाइन करना नहीं, पड़ेगा। अभी अभी हम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, देखो अभी हम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रोग्राम के, देखो आप इस चीज को समझो आप लोग, हाँ जी एक मिनट, देखो कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवेन है ना, तो पहले उसका हम एल्गोरिदम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस जैसे ही आपने एल्गो बना लिया, फिर आप हम कोड की बात कर रहे हैं, तो हम पहले यहाँ पे हैं, हम कोड की बात नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज को समझो आप लोग। बेटर कोडिंग तभी बन पाओगे जब आपका एल्गोरिदम क्या होना चाहिए, इफिशेंट होना चाहिए। इफिशेंट का मतलब क्या है, LOC, लाइन ऑफ कोड विल बी रिड्यूस्ड, लाइन ऑफ कोड आपके पास क्या हो, कम हो। तो अभी देखो ये, देखो ये एल्गोरिदम की हम बात कर रहे हैं ना, इस एल्गोरिदम को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करो भाई, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में है, किसी में भी आपके पास करो। तो हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट बता रहे हैं आपके पास, जनरलाइज, ठीक है, हम स्टेप बता रहे हैं, इस स्टेप को आप किसी भी लैंग्वेज में करो भाई, है कि नहीं आपके पास, ठीक है। तो वी होप ये चीज आपके पास क्लियर होगा, देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी होप आप समझ गए होंगे कि भाई आपके पास क्या गिवेन है, क्या निकालना है। देखो कोई भी प्रोग्राम में आप यही देखो, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इसमें इनपुट क्या है आप बताओ, इनपुट क्या है सी, आउटपुट क्या है एफ, तो ऑब्वियस बात है सी और एफ के बीच में कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना, फॉर्मूला क्या ये है आपके पास, इसमें क्या सी आप दोगे, इनपुट दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है स्टार्ट, ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या इनपुट, ये देखो इनपुट क्या है सी, आउटपुट ऑब्वियस बात है एफ, ठीक है, ये प्रोसेस होगा, दिस विल बी द आउटपुट एंड दिस विल बी द स्टॉप। हाँ जी इसमें बताइए एल्गोरिदम में एनी डाउट, नो सर। ठीक है। देखो बिकॉज आपका जब रिस्पांस अच्छा रहेगा ना, तो ये हम अभी स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं, रिस्पांस रहेगा तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि आप देखोगे कि हाँ उसमें कुछ ना कुछ है उसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो सेम चीज देखो, यहाँ पे कुछ भी आपके पास नहीं है, आपके ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सेम चीज आपके पास देखो स्टार्ट एंड, ठीक है, ये क्या इनपुट हो गया आपके पास, ये क्या हो गया प्रोसेस हो गया, अगेन आपके पास ये आउटपुट हो गया, आपको पता होना चाहिए इनपुट का और आउटपुट का सिंबल आपके पास क्या सेम है, ठीक है, इनपुट का और आउटपुट का सिंबल आपके पास क्या है सेम है, ठीक है। हाँ जी इस दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एनी अदर डाउट, किसी को कुछ डाउट है, सर इफ एल्स के लिए डायमंड्स यूज होते हैं ना। ठीक हाँ जी हाँ जी, वो हम बात करेंगे अभी, इफ एल्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो आपके पास क्या सिक्वेंशनल स्टेटमेंट हो। देखो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, और कोडिंग में एक्सपर्ट बनना है तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे प्रोग्राम बनाओ आप लोग। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिक्वेंशनल स्टेटमेंट, मतलब क्या हुआ कि ये सारे स्टेप आपस में क्या हुआ कनेक्टेड होगा,
ठीक है, एस वन विल बी कनेक्टेड एस टू, एस टू विल बी एस थ्री, एस फोर, एस फोर। ठीक है, अब जैसे इफ एल्स आपको, मुझे पता है कि आप लोगों को पता है इफ एल्स में क्या होता है, एस टू से मे भी एस फोर में जंप कर लोगे आप, एस फोर से मे भी यहाँ पे जंप कर लोगे। हम अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम ये चाहते हैं कि कुछ 5 to 6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सिक्वेंशनली करो। ठीक है, हाँ जी। अच्छा जो एक बात बताओ आप लोग, CS3 बैच है ये, आप लोग का लैब होता है सैटरडे को, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, सैटरडे को आपको 11 से 12 जो लैब है ए बैच, तो एक बार आप लोग टाइम टेबल में आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग का वो मुझे लैब शिफ्ट करना है 10 से 12 सैटरडे को, कौन सा टाइम टेबल आपका फ्री है? हाँ जी, जो सैटरडे को 10 से 12 क्लास होती है वो मुझे किसी अदर टाइमिंग में शिफ्ट करना है। ठीक है, तो कोई भी एक दो स्टूडेंट बताओ कि कौन सा टाइमिंग आपका फ्री है मंडे टू फ्राइडे में। सर अभी तक ना सारे दिन की क्लासेस हुई नहीं है, तो पता नहीं कौन सी टीचर कब चेंज करे, तो ऐसे कुछ पता नहीं है। मंडे टू फ्राइडे तो फ्री नहीं है वैसे। अच्छा अच्छा, एक भी लेक्चर फ्री नहीं है? एक भी लेक्चर है लेकिन टाइमिंग चेंज है 9 से 10 फ्राइडे। एक मिनट रुको, एक मिनट आपका। हाँ जी, फ्राइडे को 9 से 10 आप लोगों का खाली है ना? Yes, कुछ भी नहीं है? Yes, sir, खाली। Okay. एक मिनट रुको, फिर जो उसमें भी देखना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, जो आपका मंडे टू, हाँ ठीक है, देखो जो आपका लैब है वो सैटरडे को लैब है, ठीक है, वो लैब आपको फ्राइडे को, ठीक है, वो डॉट, ठीक है, 8:45 to 10 तक आपके पास होगा। मैं लिख देता हूँ 10 AM फ्राइडे। ठीक है, ये आपके पास जो जिनकी लैब सैटरडे को 10 से 12 है उनकी लैब फ्राइडे को 8:45 से 10 के बीच में होगा आपके पास। ठीक है, हाँ जी। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जो आपका ये है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, देखो अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो प्लीज़ अपने नाम के थ्रू आप आओ। ठीक है, मैंने एक रिपोर्ट बना दिया है, ठीक है, वो रिपोर्ट जस्ट होल्ड ऑन, ऐसे मत करो, अपने नाम से आओ जिसके थ्रू आपका अटेंडेंस हो जाए, ऐसा मत करो आप लोग, जिसका नाम जो है उसी से, अपना नहीं है तो जीमेल अकाउंट बनाओ और आओ आपके पास। यहाँ पे देखो अगर सही चीज़ से पढ़ोगे तो ऑब्वियस बात है आपको बेस्ट वे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है,
लेफ्ट राइट करोगे तो सबका नुकसान हो जाएगा आपके पास, ठीक है। हाँ जी, अब देखो आपको, हाँ मैं सेकंड चीज ये बोल रहा था, मैं गूगल क्लासरूम बना दूंगा, ठीक है, गूगल क्लासरूम में, ठीक है, आप लोग जो भी जितने भी 60 स्टूडेंट हो, आप लोग क्या करना, ठीक है, कि मुझे अपना जीमेल आईडी व्हाट्सएप कर देना, जितने भी स्टूडेंट है जीमेल आईडी व्हाट्सएप कर देना आपके पास, और मैं आपके पास गूगल क्लासरूम बनाऊंगा। हम बना दे, क्योंकि सर सबको एक एक करके मैसेज करना ऐड करोगे आप, या तो ऐसा कर लेंगे लैब में, बट उसमें मुझे एडमिन तो बनना पड़ेगा ना सर, बना देंगे, या तो अगर सीआर आप हो ना, मिल जाएंगे, ठीक है, फिर आप मुझे करके भेज देना आपके पास, बट उसमें जीमेल आईडी भी होगा ना आपका? हाँ जी सर, जीमेल आईडी भी तो होगा ना, वो भी आपको अकाउंट एक्सेसिबिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं नहीं, वो मैं ही क्रिएट कर लूंगा, डोंट वरी, क्योंकि सबका बना हुआ है, बाकी मैं सीएससी 8 सेमेस्टर का भी लेता हूँ, तो 3 बैचेस का बना रखा है, ठीक है, तो वो देखा जाएगा, या तो लैब में 30 स्टूडेंट का जीमेल आईडी ले लूंगा और ऑटोमेटिकली 2 घंटा टाइम होता है उसमें बन जाएगा, ठीक है, और ये पीपीटी वगैरह मुझे शेयर करना है, ठीक है, तो ये सारा शेयर करना पड़ेगा। और देखो इस पीपीटी में कुछ चीज़ एडवांस भी है, ठीक है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पढ़ना आपके पास, हम तो यहाँ पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, बट थोड़ा सा आप भी चीज़ों को पढ़ना है आपके पास, ठीक है। जैसे थोड़ा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, इस जस्ट होल्ड ऑन, देखो जो आपका यहाँ पे ये सीईओ लिखा होगा तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, बता देना आप लोग, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, देखो ये जो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स का है, ठीक है, एक मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, वी होप ये सबको पता हुआ, बट फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो मशीन लेवल जो लैंग्वेज आपके पास होता है, देखो बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, ठीक है, वो सबसे पहले देखो आपके पास जैसे सीपीयू हो गया, ठीक है, सीपीयू वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा और लगेगा, चीजों को एक चीज समझो आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये चीज आर्किटेक्चर आपको पता होगा, ये क्या प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर, उसके बाद आपके पास, ये मैं किसके बात कर रहा हूँ, ये मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेमोरी में आपके पास सबसे पहले, जैसे आपके पास हमने प्रोसेसर लिखा, ठीक है, इसके अंदर रजिस्टर होता है, आर फॉर रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। देखो चीजों को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऐसे कनेक्ट होता है। देखो सेकेंडरी मेमोरी आपको पता है हार्ड डिस्क, ठीक है, मेन मेमोरी आपको पता है ना, जैसे 2 GB 4 GB रैम, कैश मेमोरी, जैसे मैं पूछूं मैक्सिमम कैश मेमोरी जो नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है उसका मैक्सिमम कैश मेमोरी कितना होता है, कोई मुझे बता सकता है? मैक्सिमम प्रोसेसर टू प्रोसेसर डिपेंड करता है, वैसे तो 64 MB भी आ गया, 32 MB भी आ गया, बट फिर भी आपने, हाँ तो वो तो जितनी, हाँ आप, मतलब आपने देखो जितनी उसके कोर्स, देखो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि जो कैश मेमोरी है वो कभी भी जीबी में नहीं मिलेगा आपको, मेरा ये पॉइंट है, कभी भी जीबी में नहीं मिलेगा। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद मैं रजिस्टर की मैं बात करूं तो ये ऑलवेज आपका केबी में मिलेगा। कोई भी यहाँ पे पूछ सकता है कि कितने टाइप्स के मेमोरी होगा, आंसर विल बी 4 टाइप्स का, पहला रजिस्टर, दूसरा कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। देखो हमारा जो प्रोग्राम है, हम जो प्रोग्राम आपके पास लिख रहे हैं वो कहाँ पे लिख रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, ध्यान से देखना, ठीक है। और जो ऑब्वियस बात है, कोई भी प्रोग्राम आप लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा, ऑब्वियस बात है प्रोसेसर के इनसाइड होगा। तो आपका जो प्रोग्राम है कहां पे, सेकेंडरी मेमोरी में है, बट वो एग्जीक्यूट कहां पे होगा, वो उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेसर करेगा। तो ऑब्वियस बात है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से कैश, कैश से रजिस्टर जाता है, ये ट्रांसफर आपके पास होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि देखो अगर आपके पास, अगर मैं प्रोसेसर या रजिस्टर की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये चीज यहां पे क्या होता है, 0 और 1 के चीजों में समझता है। अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की मैं बात करूं तो वो किस में समझता है, 0 या 1 के फॉर्मेट में समझता है, ठीक है, हमारा जो प्रोसेसर है वो 0 1 के फॉर्मेट में समझता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमारा, देखो मशीन, अगर मैं लैंग्वेज की आपके पास बात करूं,
ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज आपके पास डायरेक्टली क्या होता है, बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज होता है, इट इज ए 01। और ये जो मशीन लैंग्वेज होता है वो क्लोजेस्ट टू आपके पास क्या होता है, क्लोजेस्ट टू प्रोसेसर होता है ना। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपको एडिशन ऑफ टू नंबर की मैं बात करूं, इसकी कोड है ना, कोड करना हो मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसका ऑब्वियस बात है बाइनरी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज हम कहां पे बता रहे हैं आपके पास, यहां पे यूज होता है। तो थोड़ा सा आपके पास कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ। देखो हाँ जी, एक बार मेरे को सेंटेंस कंप्लीट करने दो, फिर पूछ लेना आपके पास, ठीक है। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज है वो डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली कहाँ पे आपके पास होता है भाई, प्रोसेसर के पास, सीधे सी बात है। अगर देखो, अगर मैं आपसे पूछूं या हमसे आप पूछोगे, तो आप या तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज को आप जानते हो, या फिर जो भी आपके पास एक्स वाई जेड लैंग्वेज है उसमें आप बात कर सकते हो। अगर मैं मशीन लेवल लैंग्वेज की मैं बात करूं तो वो किसको समझता है, ओनली 01 को ही समझ पाता है। और वो कहाँ पे है आपके पास, डायरेक्टली प्रोसेसर के पास आपके पास है ना। यानी जो देखो, इसलिए आप देखना है ना, इसलिए आपको पता है कि सबसे स्लोएस्ट मेमोरी कौन सा होता है, सेकेंडरी मेमोरी। सबसे फास्टेस्ट कौन सा होता है, रजिस्टर। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेसर के क्लोजेस्ट है। जो जितना क्लोजेस्ट होगा उतना ही फास्ट होगा, उसके बाद कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। सबसे ज्यादा स्लो कौन सा होता है, सेकेंडरी मेमोरी। सबसे ज्यादा फास्ट कौन सा होता है, रजिस्टर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम बता दे रहे हैं आपके पास कि मशीन लेवल है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज आपके पास क्या होता है, जो 01 को फॉर्मेट में समझ में आपके पास। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑब्वियस बात है फास्ट होगा। बिकॉज क्यों फास्ट होगा, क्योंकि क्या है कि यहीं पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा आपके पास। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में आप रीड करना, उसके बाद हमने असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होता है आपके पास, जिसमें आपका ये न्यूमेरिक्स के फॉर्मेट में आपको चीजों को आपके पास है। जैसे हमने लिखा 01, ठीक है, 00, तो इसका भी कुछ कोड होगा, कुछ कोड होगा आपके पास। जैसे हमने लिखा s इज इक्वल टू a प्लस b, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होगा आपके पास, एड a कॉमा b, एड a कॉमा b। इसका मतलब होगा a प्लस b को एड कर दो आपके पास। ठीक है, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज का आपके पास, ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ोगे आगे, ठीक है, तो वहां पे ये सारे काम आएगा। बट असेंबली लेवल लैंग्वेज की मैं बात करूं तो वो किस फॉर्मेट में होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये लिखा, जस्ट होल्ड ऑन, मैंने ये लिख दिया, ये सारे हमने लिख दिया कोड के फॉर्मेट में, आप क्या बोलोगे, दिस इज द मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मैं इसी चीज को ऐसे बोल दूं, एड ए कॉमा बी, ठीक है, उसके बाद मल सी कॉमा डी, ठीक है, ये आपके पास कौन सा हो गया, असेंबली लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक्स, मतलब हर चीज का एक सिंबल होगा, हर ऑपरेशन का, हर इनपुट का, है ना, एवरीथिंग्स का आपके पास क्या होगा, सिंबल होगा। तो इसमें आपको ज्यादा R&D नहीं करना है, ज्यादा इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो आपके पास, ठीक है, ये सारे चीज आपके पास क्या होता है, न्यूमेरिक्स, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए असेंबलर चाहिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए असेंबलर चाहिए। जैसे आपके पास, जैसे देखो सिंपल सी बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो भाई हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कौन सा आपके पास कंपाइलर है, जैसे जो भी हम आपके पास कंपाइलर यूज करते हैं वो हमें पता है। अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज की मैं बात करूं तो C, C++, जावा है, ये सारे आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, ये आपके पास, जैसे मैंने आपके पास यहाँ पे लिख दूं s इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जो आपके पास एक तरफ से क्या होगा, इट्स लाइक ए इंग्लिश स्टेटमेंट, ठीक है, जो हम समझ सकते हैं आपके पास जो ह्यूमन समझ सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे सेम चीज है ना, अब देखो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कंपाइलर चाहिए, इंटरप्रेटर चाहिए, जो भी चीज आपके पास चाहिए। बट असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए, असेंबली में कोड करने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो असेंबलर आपके पास क्या करता है, ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में आपके पास कन्वर्ट करता है। वो भी एक दो टॉपिक है, वो हम देखेंगे, बट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। देखो असेंबली लेवल लैंग्वेज टोटली डिपेंड्स हार्डवेयर पे, ठीक है, जैसे मैं एक चीज आपके पास मैं बता रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, क्योंकि देखो ये सारा आपके पास थोड़ा हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, तो इसको थोड़ा समझना है। अगर मैं बात करूँ आपके पास, जैसे मोटोरोला हो आपके पास,
प्रोसेसर हो गया, एक हो गया एएमडी प्रोसेसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मशीन कोड M1 है, यहाँ पे जो मशीन कोड M2 है, ये बिल्कुल आपके पास क्या होगा, अलग अलग आपके पास होगा, ठीक है, अलग अलग आपके पास होगा। बट जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो .exe आपके पास है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाओगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, किसी पे भी चल जाएगा। बट अगर मैं असेंबली की मैं बात करूं, तो हर सिस्टम का आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे है ना, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट असेंबली कोड जनरेट आपके पास होगा। इसलिए असेंबली लैंग्वेज में असेंबली जो कोड होगा वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा, सीधे सी बात है आपके पास। अगर थोड़ा और भी आपके पास मैं बात करोगे तो देखो मशीन डिपेंडेंट। हाँ जी, अब डाउट पूछो, जो भी डाउट जिसको पूछना है। सर मैं पूछ रहा था, फिर जो ML के कोड्स होते हैं वो 01 में लिखते हैं या वो अलग ही है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं जो आपका आपके पास ये है, आपके पास मशीन लैंग्वेज है, वो 01 के ही फॉर्मेट में लिखा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, इट इज इंस्ट्रक्शन रिटन बाय 01, ठीक है। तो वो कौन सा काम करता है आपके पास, कोई ना कोई पर्सन होगा ना। देखो हमने तो ये लिखा, देखो हम देखो यहाँ पे इस डायग्राम को आप समझो, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, इन्होंने आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, इस चीज को आप समझो। हमने तो यहाँ पे लिख दिया हैश इंक्लूड कौन ही हो, हम तो यहाँ पे लिख रहे हैं भाई, ठीक है। इस चीज को कोई ना कोई पर्सन तो चेंज कर रहा है ना, लो लेवल में चेंज कर रहा है ना। कौन कर रहा है? कंपाइलर कर रहा है, सीधे से बात। yes. कौन सा कर रहा है? कंपाइलर कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो चीज, देखो हम जो क्या समझ रहे हैं हाई लेवल यहाँ पे, बट इसको कन्वर्ट जो कर रहा है वो आपके पास कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन ये चीज यहाँ पे आना ही आना है आपके पास। अच्छा, ML में भी कंपाइलर होता है? हाँ जी, बिल्कुल, आपके पास उसमें कोई कंपाइलर नहीं है उसके, बिकॉज डायरेक्ट कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, CPU कर रहा है ना। देखो मैं समझ गया आपका डाउट। हाँ जी, देखो आपके पास, देखो जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, देखो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, जो आपका असेंबली है, असेंबली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज आपके पास एग्जीक्यूट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे 01 की जरूरत है। और ये जो न्यूमेरिक्स है ना, वो भी 01 के फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है असेंबलर, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप थोड़ा समझना, अगर नहीं हो तो कॉल कर लेना, कॉल पे भी मैं समझा दूंगा आपको डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाना डिफिकल्ट है, ठीक है सर, बट फिर भी थोड़ा समझ में आया होगा आपके पास। यस सर, यस सर। हाँ जी, चलो फिर आपके पास कनेक्ट हो जाना जो बी बैच के आपके पास है, ठीक है। ओके सर। हाँ जी बताइए, थोड़ा सा फीडबैक दे दो, फीडबैक कुछ दे दो आप लोग, कैसा लगे क्लास आज? सर बहुत बढ़िया समझ आया सर, बढ़िया। हाँ जी, कमेंट्स में लिख दो आप, क्लियर हो गए सर? बढ़िया है सर, हो गए बेसिक्स क्लियर जी, हो गए। चलो फिर आप लोग बी बैच, आप लोग सर आज आपने कराना क्या है लैब वर्क में? लैब में उसके आगे कराएंगे सर, मैं लैब ए से, मतलब जैसे पिछली बार एडिशन ऑफ कोड हमारी तो हुई नहीं थी ना। हाँ जी, मतलब कोड कराया जाएगा। अच्छा, आप तो ए ग्रुप की लैब, ये बैच वाले कोड कर रहे हैं। हाँ देखो, अगर बी बैच का है ना, ठीक है, तो उसके आगे ही कराया जाएगा आपके पास। मुझे पता है कि एक ए बैच है जिनका एक लैब पीछे चल रहा है, बट कोई बात नहीं, उसको हम मेकअप कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बट आज के लैब में ना उसके आगे होगा आपके पास, ठीक है। जो प्रीवियस क्लास में हमने एक कोड बताया था, उससे आगे एक दो प्रोग्राम और भी करेंगे लाइव कोडिंग, ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सर, बाय सर।